बैक, आई होप ऑल आर वेल। तो गाइस आज हम आए हैं, आज हम आप पहुँचे हैं श्री पनवाड़ी पोहा वालों पे, और काफ़ी सुना था कि पोहा काफ़ी टेस्टी मिलता है यहाँ पे, तो आज हमने कहा कि आज हम खुद चेक करते हैं। और हमने ये भी सुना है कि काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ भी इनके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे 2012 से ग्वालियर में। तो गाइस 2012 से श्री पनवाड़ी पोहा पोहे पर राज कर रहे हैं और काफ़ी टेस्टी पोहा ये सर्व करते हैं। चलिए आज हम आपको चेक करके बताएंगे पोहे के बारे में। तो गाइस ये है श्री पनवाड़ी पोहा वाले, और ये 2012 से यहाँ राज कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी थी और ये पहुँच गए हैं अब यहाँ पर, और काफ़ी रोमांचक बड़ी स्टोरी है इनकी। चलिए आपको वहीं ले चलते हैं, काफ़ी अच्छा शॉप ओपन हो चुका है इनका ये, और बहुत सारी वैरायटीज भी अवेलेबल हैं। I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे स्काउट्स तैयार होकर आ चुके हैं, और हमने यहाँ ट्राई किया है गाइस स्काउट्स और पोहे। तो गाइस पनवाड़ी में पोहा सबसे फेमस है, और हमने पोहा भी ट्राई किया है और स्काउट्स, काफ़ी अदर वेराइटीज़ भी ये रखते हैं आप देख चुके हैं, और स्काउट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यू कैन सी दिस गाइस, एक अच्छी सी चटपटी टाइप की चाट लग रही है, ऑल टाइप ऑफ वेजीज इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये पोहा है हमारा, पोहा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मटेरियल इसमें डाला गया है। यू कैन सी दिस गाइस, ये नमकीन मूंगफली। तो गाइस चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, सबसे पहले स्काउट्स। नो नो नो, यू कैन सी दिस गाइस, अमेजिंग। तो गाइस स्काउट्स काफ़ी टेस्टी है, स्काउट्स एक हेल्दी स्नैक होता है, और हेल्दी स्नैक में भी टेस्ट डालना काफ़ी अच्छी बात है। यू कैन सी दिस गाइस, छोले भी हैं, मटर भी है, कॉर्न भी है, चाट भी है। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, स्पाइसी है, और सच में चाट हेल्दी चाट है ये। और हम ट्राई करते हैं हमारा पोहा, चलिए पनवाड़ी का पोहा ट्राई करते हैं, मोस्ट फेमस पन पोहा इन ग्वालियर। पोहा काफ़ी टेस्टी है, और जो इसमें ना मटेरियल डाला गया है, जो नमकीन है, ये टेस्ट एक लेवल और ऊपर लेकर जा रहा है, और पनवाड़ी पोहा जैसा पहले था वैसा ही है, और इट्स लविंग इट, काफ़ी टेस्टी पोहा है और चाट भी अच्छा है। तो गाइस काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ अवेलेबल है, चलिए हम आपको अब आगे ले चलेंगे। हम आ चुके हैं पनवाड़ी पोहा पे, और पहले यहाँ इनका स्टॉल लगता था उस साइड में, और अब इन्हें यहाँ अपनी एक ब्रांच डाल दी है, इसको भी एक साल करीब हो चुका है, और काफ़ी टेस्टी है, और काफ़ी वैरायटीज़ हैं। ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटीज़ होती हैं, ये हमें यहाँ आके मालूम पड़ा है, और अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं तो सातों दिन के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। और चलिए मैं आपको सीधे अब ओनर से बात कराता हूँ। आपको मेरा प्रणाम, मेरे शहरवासियों को, जो भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम। जी सर बताइए, भैया अपना नाम बताएं। सर सोनू चौरसिया। तो कितना टाइम हो गया है आपको ओपन करे? इसको सर एक साल होने को है, और अपना वो जो ठेला लगता है वो हमेशा लगता ही है, अभी भी लगता है, उसका टाइम कम कर दिया है, 10 बजे तक अपन ने उसको किया था, तो 10 बजे के बाद अपना पूरा ग्राहक यहाँ आ जाते हैं वो जी। और सुबह वैसे भी ग्राहक आते हैं, क्योंकि बहुत वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे उपमा मिलेगा, पास्ता मिलेगा, साबूदाना खिचड़ी है, इडली मसाला है, नमकीन सेवैया है, और आपका स्प्राउट्स है, बटर रगड़ा, नट्स, पोहा, ढोकला, देसी घी की जलेबी, लस्सी, और भी कई वैरायटीज़ चालू करने वाले हैं। सैंडविच आपको 10 तरह की यहाँ पर मिलने वाली है, मतलब शहर का एक पहला हब होगा जहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ होंगी सुबह के नाश्ते में। इतना ब्रेकफास्ट अवेलेबल होना काफ़ी बड़ी बात है, और सातों दिन में अगर कोई खाना चाहे सब अलग अलग खा सकता है, डिफरेंट खा। हमारे पास 15 वैरायटी है, दो दो बंदा एक दिन में 2 वैरायटी खा सकता है, नया टेस्ट ले सकता है, अपने गेस्टों को लेके आ सकते हैं, आप घुमा के दिखाइए वीडियो, पूरा अपने पास हॉल है, इसके अलावा ऊपर की भी व्यवस्था अपने बैठने की है। तो गाइस यहाँ पर भी नीचे बैठने का व्यवस्था है, और ऊपर भी इन्होंने एक अलग सेक्शन दे दिया है बैठने के लिए, तो काफ़ी अच्छी इवेंट है वो कर रखी है। और ब्रेकफास्ट तो आप देख ही चुके हैं, हर प्रकार का अवेलेबल है यहाँ पे, और स्वीट्स में भी है, काफ़ी वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। 6-7 बजे बन के आ जाता है,
अभी ये ख़त्म हो चुका है, ये बन के आ रहा है। इडली मसाला भी आपके सामने रेडी होके दोबारा आ रही है, मतलब काफ़ी डिमांड है। जोमेटो पे अच्छा पैकिंग जा रहा है, इस तरह से ये दोबारा बन के आया है। इसी तरह से सारी वेराइटीज़ बन के आती हैं और ये 5 बजे तक अपना चलता है। सुबह 7 बजे से ये पूरा 5 बजे तक, और सुबह 6 बजे पोहा मिल जाता है जी। तो काफ़ी वेराइटीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, सारी चीज़ों को पसंद किया है लोगों ने। हर प्रकार का बेस्ट अवेलेबल है। और स्वीट में यहाँ पर जलेबी है, जलेबी देसी घी की बनाते हैं, अमूल का घी हम इस्तेमाल करते हैं। ढोकला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं और प्राइस भी कोई हाई नहीं है। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रखा है हमने। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि सारा ब्रेकफास्ट वगैरह का मटेरियल? शहर में था नहीं ना, शहर में हमारे अपने शहर में समोसा कचौड़ी और बेड़ी बस ये अधिकतर मिलता है। पोहा लोगों ने स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया, थोड़ा अच्छा दिया तो लोगों की और रिक्वायरमेंट आई कि साहब आप इतना अच्छा पोहा दे सकते हो तो और भी आपके दिमाग में कुछ हो तो आप करें। तो हमारे पास स्पेस नहीं था, लेकिन अब दुकान आ गई है अपने पास, तो जितना अपने दिमाग में है जितना अच्छा हो सकता है अपन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट भी, ऐसा नहीं कि मटेरियल ज़्यादा है तो टेस्ट में कोई ख़राबी हो। हमने आपको टेस्ट करके बताया है, पोहा और स्पाउट्स काफ़ी टेस्टी है। आप एड्रेस एक बार बता दें अपना। सर ये ओल्ड चाचा स्टोर पहले यहाँ पे थे, उसके पीछे अपनी दुकान है जी। ये इंदरगंज चौराया गऊ घाट जैन मंदिर के पास है जी। पनवाड़ी पोहा सेंटर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आप किसी से भी पूछोगे तो बंदे बता देते हैं। टाइम अपना 6 बजे पोहा मिल जाता है जी, और पोहा 6 से 3 बजे तक आपको मिल जाएगा जी। बाकी ये सारा आइटम 7 बजे से 5 बजे तक आपको मिलेगा जी। और 3 बजे से रात के 11 बजे तक हम नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें पाव भाजी, छोले भटूरे, साउथ इंडियन और अपना ये पूरा चिल्ली पोटैटो वगैरह जो भी होता है, मतलब ये सारा स्नैक्स आपको मिलेगा, ऑल ओवर स्नैक्स। हाँ, सैंडविच वगैरह ये सब मिलेगा आपको, मतलब जितना हो सकता है अपन अच्छा करेंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि दिन का भी नाश्ता और रात का भी। हाँ बिल्कुल, नाश्ता यहाँ चलता रहेगा। तो गाइस मैं कहूँगा आप एक बार यहाँ आओ और एक्सप्लोर करो इस फूड मेनिया को। तो गाइस काफ़ी अच्छा प्रेजेंटिंग है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी है। गाइस इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस सी यू, बाय बाय।